सो गाइस, मेरे जीमेल आईडी में जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट स्टोरेज फुल जो है, यही दिक्कत जो है मुझे बार बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट स्टोरेज इज़ फुल। ये प्रॉब्लम आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। आखिरकार हमने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यही बता रहा है कि स्पेस जो है पूरी तरह से फुल हो चुका है, लेकिन जब हम लोग क्लियर करने जाते हैं तो उसके बाद जो है हम लोगों का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा झंझट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एकदम सरल चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट स्टोरेज इंच फुल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का जो है दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप क्लीन अप स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जी हाँ, जैसे आप क्लीन अप स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नए सेटिंग जो है ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे हम क्लीन अप स्टोरेज के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक नया जो है वो प्रोसेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज एक नया खुल के आया। अब यहीं पर जो है आपको सारा सारा प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दो, जब यहाँ पे आगे प्रोसेस करने जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ पैसे भी लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 15 GB तक जो है फ्री मिलता है, जो कि इसका मतलब यह है कि 15 GB हम लोगों ने फुल कर लिया है। यदि और आप स्टोरेज चाहते हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हम लोग ये चीज़ें केस हम लोग यह प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे जो है फ्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से आ जाना है, आपके ईमेल पर जितने सारे आपके वो आए हुए हैं जो है सारा का सारा जितना वो आया है, क्या बोलते हैं, ईमेल आया है, सबको बारी बारी जो है आपको सबसे पहले डिलीट कर देना है। जी हाँ, जैसे आप डिलीट कर देंगे दोस्त जो है, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप से खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। अब देखिए, जैसे हमने कंफर्म किया, सारा का सारा मेरा इनबॉक्स वाला मैसेज जो है डिलीट हो गया। फिर भी यह दिक्कत जो है बार बार देखने को मिला। हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया और फिर भी जो है यह दिक्कत मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डिब्बे वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो है, तो यहाँ पे आपको जो है एक नया यहाँ पे पॉपअप से खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जो है जाना है एकदम नीचे की तरफ जो है, ट्रैश बिन करके ऐसे लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक नया प्रोसेस पूरा का पूरा आएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। जी हाँ, डिलीट फॉर एवर ऐसे कुछ लिखा होगा जो है, आप देख लीजिएगा आपके सेटिंग में क्या लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। जब आप ये सारा प्रोसेस कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो है सारा का सारा डेटा जो है पूरा डिलीट हो जाएगा। जो जो हमने सेटिंग आपको बताया वही आप कीजिए। अगर आपको समझ में ना आया हो, आप फिर से यह वीडियो प्ले करके देखिए तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारा का सारा सेटिंग कर दिया है, अब हमने डिलीट भी कर दिया है सारा का सारा सेटिंग। उसके बाद क्या होगा कि जो है हमारा दिक्कत जो है पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है फिक्स हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं सारा का सारा डेटा जो है डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको पॉपअप से नीचे लिखा हुआ है अनडू करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वैसे आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए नया टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छे से फेस वीडियो बनाकर जो है आपको समझा दूँगा और आपके इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करूँगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वो हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। गाइस, आपको बता दो जो है, यदि आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, यदि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर जो है आप पूछना चाहते हैं जो कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो है एक मिनट के अंदर अंदर जो है अपडेट दे दूँगा। जी हाँ, यदि आपको कोई कुछ सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं।